वन रक्षक का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वन रक्षक के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सीएम योगी को जमकर गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने वन रक्षक को गिरफ्तार किया। जनपद फिरोजाबाद की थाना सिरसागंज पुलिस ने बुधवार को उखरेन तिराहा नेशनल हाईवे 2 से गुलशेर अहमद पुत्र इद्दू खान निवासी मदीना मस्जिद के पास सिरसा खास थाना सिरसागंज उम्र करीब 48 वर्ष हाल तैनाती वन रक्षक वन विभाग को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि सिरसागंज में वन रक्षक के पद पर तैनात कर्मचारी का रिश्वत मांगते हुए और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वीडियो का संज्ञान लेते हुए वन रक्षक को जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिरसागंज थाने पहुंचकर वन रक्षक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष सिरसागंज गिरीश चंद्र गौतम, उप निरीक्षक रणवीर सिंह, उप निरीक्षक विपिन कुमार, हेड कांस्टेबल कुलदीप, कांस्टेबल परमानंद शामिल रहे। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। ये 8 फरवरी को एक वीडियो वायरल हुआ था जो काफी अशोभनीय वीडियो था, जिसमें एक पहचान की गई तो गुलशेर अहमद पुत्र इद्दू खां निवासी मदीना मस्जिद, ये थाना सिरसागंज का मामला निकला। और इसमें ये वन रक्षक गुलशेर अहमद किसी से 2.25 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था। साथ ही साथ हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। इस वीडियो का तुरंत संज्ञान लेकर के मुकदमा कायम किया गया था। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई भी उस पर की गई है, लेकिन पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करके इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई थी, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज सभी सबूतों के साथ गुलशेर अहमद पुत्र इद्दू खां, जो एक भ्रष्ट और रंगदारी मांगने वाला मुलाजिम निकला, साथ ही साथ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, इसको आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से इसको जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी। और निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी सरकारी मुलाजिम को इस तरह से लिप्त नहीं होना चाहिए, और जो भी लिप्त पाया जाएगा, अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करेगा या आम जनता के साथ मारपीट इत्यादि की घटना कारित करेगा, उस पर कठोर धाराओं मुकदमा दर्ज करके इसी तरह से एग्जेम्पलरी कार्यवाहियां आगे भी जारी रहेंगी।